नमस्कार, मैं हूं योजन उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। भारतीय महागठबंधन ने किया लखनऊ के रविंद्र विद्यालय में सम्मेलन। बड़ी संख्या में छोटे राजनीतिक दल हुए सम्मेलन में शामिल। एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक की राजनीतिक एकजुटता को लेकर किया गया सम्मेलन। सम्मेलन में बीजेपी के साथ सपा बसपा के खिलाफ बोला गया हल्ला। सम्मेलन में आगामी 2022 विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी उतारने का किया गया ऐलान। IGA के इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। IGA के तहत तकरीबन उत्तर प्रदेश के तकरीबन 42 छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने ये इरादा और अहद किया है कि उत्तर प्रदेश की बेईमानियों के ख़िलाफ़, तासुब और नफ़रतों के ख़िलाफ़ और अपने प्रदेश में भाईचारे का माहौल बनाने के लिए 70 से ज़्यादा। हमारा असल मकसद जो है हिंदू मुस्लिम और छोटे और बड़े के दरमियान जो खाई बना दी गई है, इस खाई को पाटना हमारा असल मकसद है। और इसके लिए बेहद ये ज़रूरी है कि मौजूदा सरकार को हटाया जाए और ऐसी कोई सरकार ना आने दी जाए जो प्रदेश में दंगे फसाद का माहौल बनाती है या जिसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं। जो ईमानदारी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारी कोशिश ये है कि हमारा ये गठबंधन इतना बड़ा और इतना ताकतवर हो। हम इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में कारवां निकालने जा रहे हैं, रथ यात्रा निकलेगी और हर ज़िले में, हर शहर में हमारी ये यात्रा पहुँचेगी और हम अपना ये पैगाम आप लोगों के ज़रिए भी और जनता में बरह रास्त जाकर भी हम अपना ये पैगाम पहुँचाएंगे कि हमें देश में एकता चाहिए, हमें देश में एक और बंटवारा नहीं चाहिए। जैसा कि पहले इन लोगों की नफरतों की वजह से बंटवारा हुआ, आज फिर दोबारा ये माहौल बनाया जा रहा है और नफरतें फैलाने का काम किया जा रहा है। तासुब और इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम राजनीति से ऊपर उठ के हमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए। मैं आज जो IGA के इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, मेरा असल मकसद राजनीति से ऊपर उठ के मेरा असल मकसद जो है वो यही है कि किसी सूरत से हम अपने देश और प्रदेश से इन नफरतों का माहौल ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं।